हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ईज। वैसे आप सभी ने काफ़ी बार घर पर पालक पनीर की सब्जी तो बनाकर खाई होगी, बट इस तरीके से पालक पनीर की भुर्जी, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियंस के लिए, और साथ ही इसमें गुडनेस है स्पिनिच की। और अगर आप सेम तरीके से, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, इस भुर्जी को बनाकर खाते हैं, तो आप भी बिलीव नहीं कर पाएंगे ये आपने किसी रेस्टोरेंट या होटल से नहीं बल्कि घर पर ही बनाया है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो या फिर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, उसमें डालें 2 छोटे चम्मच घी, जब ये गर्म हो जाए उसमें डालें 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों के बीज, उसके बाद इसमें डालें 2 खड़ी लाल मिर्च, 3 हरी इलायची, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 करी पत्ते, उसके बाद इसमें डालें 2 बड़े चम्मच कटा हुआ लहसुन, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिए के डंठल। फिर सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लें, जब तक लहसुन और अदरक का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, और इनको भी मीडियम हीट पर हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज भी अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पिसे मसाले। सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर और लास्ट में डालें नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद सभी मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे बिना पानी डाले, धीमी आंच पर। मसालों को थोड़ी देर भून लेने के बाद अब इसमें डालें 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, और इनको भी पका लें धीमी आंच पर, जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं टमाटर पक चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक 100 ग्राम जिसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था और मोटा मोटा काट लिया था। अब हमें पालक को अच्छे से मसाले के साथ भूनना है, क्योंकि नहीं तो पालक में कड़वापन रह जाएगा और भुर्जी अच्छा टेस्ट नहीं करेगी। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक मसाले में से तेल अलग नहीं हो जाता। मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पालक को मसाले के साथ भूनते भूनते, और आप देख सकते हैं पालक का पूरा पानी सूख चुका है और तेल भी अलग हो गया है। अब इसमें डालें 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें डालें 1/2 कप दूध, और आंच को धीमी करके हम इसे पकाएंगे, जब तक दूध सूख नहीं जाता और भुर्जी थोड़ी थिक नहीं हो जाती। इसमें करीबन 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। आप देख सकते हैं भुर्जी में से पूरा दूध सूख चुका है और भुर्जी थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अब स्पैचुला से इसे चला लें। उसके बाद इसमें डालें 1/4 कप फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने के बाद इसमें डालें 1/2 छोटी चम्मच शक्कर, फिर डालें 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी जिसको मैंने हाथ से क्रश करके इसमें डाला है। उसके बाद इसमें डालें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच जिंजर जूलियंस, 3 कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें, और आपकी बहुत ही क्रीमी और स्वादिष्ट भुर्जी बनकर तैयार है। दिख रही है ना सुपर टेस्टी? आप भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की भुर्जी आसानी से घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम मेहनत में। ये एक बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच ऑप्शन है। आप इसे दिन के किसी भी टाइम बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर हो। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये रेसिपी या फिर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।